आज हम आप लोग को LHB AC कोच के अंदर जो SBC पैनल होता है उसके अंदर आप लोग जो देखे होंगे राइट साइड में एक वागो रहता है, वागो के ऊपर जो आप ग्लास फ्यूज बहुत सारा लगा रहता है, तो ये फ्यूज किसके लिए होता है इसके बारे में हम आपको इसका डिटेल्स बता रहे हैं। तो आप देखिए यहाँ, तो ये देखिए आप लोग सबसे ऊपर में जो है ये 75 आप लोग देख रहे होंगे फ्यूज, ग्लास फ्यूज। तो ये जो है ये लाइटिंग ट्रांसफार्मर की इनपुट सप्लाई के लिए है, ये न्यूट्रल है, ये 220 वोल्ट AC इसमें होता है। और इसके नीचे फिर देखिए जो ये 75 है ग्लास फ्यूज, ये लाइटिंग ट्रांसफार्मर इनपुट सप्लाई के लिए ही है, ये फेज के लिए है। इसमें 220 वोल्ट AC होता है जो फेज होता है इसमें। ये जो 73 है फ्यूज, ये 73 फ्यूज जो है ये कॉन्टेक्टर जो होता है 23 जो कॉन्टेक्टर है उसकी कंट्रोल सप्लाई ये फेज के लिए ही है, इसमें 220 वोल्ट AC होता है। फिर उसके नीचे आप 72 देख रहे होंगे ग्लास फ्यूज, ये जो है इसमें कॉन्टेक्टर K44 के लिए ये है, ये कंट्रोल सप्लाई करता है, ये जो है K44। और इसमें जो फेज के लिए ये है इसमें भी 220 वोल्ट AC के लिए ये भी है। इसके नीचे आप आइएगा तो 71 दिख रहा होगा, इसमें लोकल मेन सप्लाई जो LMS का है उसके लिए ये है, K45 कॉन्टेक्टर जो है उसके लिए। तो इसमें ये ब्लू फेज के लिए 415 वोल्ट AC के लिए है। उसके नीचे आप आइएगा तो ये 70 आप देख रहे होंगे फ्यूज, तो 70 में है लोकल मेन सप्लाई का ये कॉन्टेक्टर नंबर 44-45 की सप्लाई के लिए ये है। ये भी जो है आपको फेज के लिए ही है लेकिन ये येलो फेज के लिए है 415 वोल्ट AC के लिए। उसके नीचे आप आइएगा तो 69 देखिए है, 69 में आप देखिए लोकल मेन सप्लाई ही है, इसमें भी ये 45 के लिए ही है लेकिन ये है R यानी रेड फेज के लिए 415 वोल्ट के लिए है AC के लिए। उसके नीचे आप आइएगा तो 68 देखिए, ये है लोकल मेन सप्लाई, लोकल मेन सप्लाई का ही है ये कॉन्टेक्टर नंबर 42 की कंट्रोलिंग सप्लाई है, इसमें 220 वोल्ट जो है इसमें फेज ही जा रहा है AC के लिए, अब AC है। और इसके नीचे आप आइएगा तो F आप देख लीजिए फ्यूज जो है ये 67 आप देख रहे होंगे, तो लोकल मेन सप्लाई जो है टू ये कॉन्टेक्टर K41 के लिए है, इसमें कंट्रोलिंग सप्लाई जो है कंट्रोल सप्लाई के लिए ही है, ये 220 वोल्ट आपको AC इसमें भी जा रहा है, ये भी फेज के लिए ही है। आप फिर देख लीजिए उसके नीचे आप आइएगा तो 66 देख रहे होंगे, 66 जो है इसमें ब्रेक की सप्लाई निगेटिव 110 वोल्ट इसमें DC के लिए ये है, ये देखिए 110 वोल्ट इसमें DC के लिए इसको यूज किया जाता है, निगेटिव है ये। अब देखिए ये 65 जो आप देख रहे होंगे तो एंटी स्किड डिवाइस की सप्लाई निगेटिव 110 वोल्ट DC इसमें भी जाता है। अब उसके नीचे आप आइएगा तो 64 जो है ये फ्यूज, ये ब्रेक की सप्लाई पॉजिटिव 110 वोल्ट DC के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके नीचे आप आइएगा तो 63 ये देखिए फ्यूज है जो ये है एंटी स्किड डिवाइस की सप्लाई, इसमें भी पॉजिटिव 110 वोल्ट DC की सप्लाई इसमें जाता है। उसके नीचे आप आइएगा तो 62 है, 62 जो फ्यूज है, और ये 61 ये दोनों है AC 110 वोल्ट इंसुलेशन कंट्रोल रिले जो लगा होता है आपको A6 व उसमें जो लगा रहता है, तो 240/415 वोल्ट जो वहां से बनता है उसका इंसुलेशन कंट्रोल रिले जो है उसका A7 की सप्लाई फेज 220 वोल्ट AC के लिए ये होता है। उसके नीचे जो आप आइएगा तो F59 जो है वो AC 110 वोल्ट इंसुलेशन कंट्रोल रिले जो A6 की सप्लाई को न्यूट्रल 110 वोल्ट AC के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। उसके नीचे आप आइएगा तो F58 जो है उसको देख रहे हैं, तो ये देखिए इसके लिए क्या होता है कि AC 110 वोल्ट इंसुलेशन कंट्रोल रिले A6 की सप्लाई फेज 110 वोल्ट AC के लिए इसका इस्तेमाल होता है। F57 जो है आप जो इसको देख रहे होंगे EUIC रिमोट कंट्रोल की सप्लाई जो है ये निगेटिव 24 वोल्ट DC के लिए ये होता है। अब उसके नीचे आप लास्ट जो देख रहे होंगे ये फ्यूज जो है 56 नंबर है, तो इसको देखिए EUIC रिमोट कंट्रोल की सप्लाई ये जो है पॉजिटिव 24 वोल्ट DC के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको हम इतना सारे ये जो फ्यूज के बारे में हम इसको जानकारी दिए, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको हमको ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद पड़े तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।